बजे बाजे आ ढोल बजे बाजे आ ढोल बजे रे बजे बाजे आ ढोल बजे बाजे आ ढोल बजे रे। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बुजुर्ग की मौत, पत्नी ने लगाया बेटे पर आरोप। मामला जनपद श्रावस्ती के थाना गिलोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटवा मजरा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। दरअसल श्रावस्ती में जनपद में थाना गिलोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटवा मजरा में एक बुजुर्ग बड़काऊ लाल के उनके घर में ही अचानक मौत हो गई, जबकि मृतक बड़काऊ लाल दो पत्नियां हैं। वहीं एक पत्नी ने बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने स्त्री को कब्जे में लिया कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा पुलिस जांच पड़ताल में। श्रावस्ती से भुजो अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है बाबा? ये कोटवा में जो मामला हुआ है क्या है, कैसे है, क्या मामला पूरा बताइए। मामला भैया यही रहा था कि उनका कहीं दिया था उसके बाद जो है लगकर रहा तभी जब वह गुजर गई तो हम तो सब दिया थी दिया तीन तक कहीं उन्हें हुआ रहे। जब उनका तबियत खराब था तो दवाई कराओ उठाए लाया दवाई कराओ बहाना जो उन्हें ये ले जो वसीयत करा ली वसीयत कराए बाद अपन जब दवाई देते उन्हें हुआ क्या पहनाई जाए जिसे अपन माता दी। तो आपने थाने पर एप्लीकेशन दिया? हाँ थाने एप्लीकेशन दिया। तो पुलिस मौके पर पहुँची या नहीं? बताओ पुलिस बैठी पुलिस आ गई। तो पुलिस के द्वारा क्या बताया गया? अब जो पुलिस के निगाह में हो तो वापस कर दिया। ये जो अधिकारी हैं उनके सामने हम कहा कहते हैं जिनकी मृत्यु हुई है वो आपके रिश्ते में कौन लगते हैं? हमारे भांडवाई हुए। तो आप और आपकी बहन के द्वारा क्या मामला थाने में दर्ज करवाया गया या किसी अन्य के द्वारा? मामला बहन के द्वारा। क्या नाम है भैया? जगत राम। कहाँ के रहने वाले हैं? कोट मारकपुर के। आपकी माता के द्वारा आपके पिता की हत्या करने का आरोप लगाया गया है, क्या है पूरा मामला? हमारा मामला यह है कि हमारे पिताजी को जब फालिश मारा उसने आधार हमने मांगा कि माताजी आधार दे दो, इनका हम अस्पताल कह दी, वो आज तक आधार नहीं दिया। हम इनको प्राइवेट दवाई कराने लगे। इसके बाद जब आधार अपना हम दौड़ धूप करके पिताजी का लाए तो हम अपना चल अचल संपत्ति पिताजी ने हमारे नाम वरासत कर दिए। इसके बाद वो हमारी सौतेली माँ है, वो हमको आरोप लगा रही है।